बजट पेश करने के बाद, बजट भाषण खत्म होने के बाद प्रेस से मुखातिब हो रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 2 घंटे 11 मिनट तक उन्होंने बजट भाषण पढ़ा और यू बी नाइस टू मी, हाँ जब मैं कह रही हूँ आप मेरा, तो मैंने कहा बी नाइस टू मी राइट। तो बजट पेश कर दिया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2 घंटे 11 मिनट का बजट भाषण पढ़ने के बाद। अब विधानसभा की कार्यवाही, बजट सत्र ये स्थगित हुआ है 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए। लेकिन अब ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रेस से मुखातिब हो रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मौजूद हैं यहाँ पर राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और इस बजट को लेकर मोटे इस बजट के क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। वैसे इसमें ज्यादा सवाल जवाब की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि एक इस बार जो आपको कैटेगरी वाइज किस किस बजट के प्रावधान में किस किस प्रकार की क्या क्या कार्रवाई और क्या क्या घोषणाएं हुई है, किस प्रकार उनको वित्त पोषित किया गया, उसका एक पूरा प्रपत्र आपको दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपको मोटे तौर पर आपको धन्यवाद भी दे दें और इस पर इसको बांटने से पहले आपको कुछ निवेदन कर दें। ये चल रहा है नहीं है? हाँ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट को, जो हर फाइनेंस मिनिस्टर या जो हर चीफ मिनिस्टर अपने आप में मेहनत करता तो है डेफिनेटली, बट देयर इज ऑलवेज दिस नर्वसनेस कि कैसे एक्सेप्ट होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों के मेहनत रंग लाई। हमने अपने एरियाज को डिवाइड कर दिए थे और डिवाइड करके फिर उसको सब डिवाइड करके इसमें कोशिश ये की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टच कर लें, जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है उन लोगों को सपोर्ट करने में हम पीछे नहीं रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ध्यान में रखते हुए हम सब ने इस बजट को बनाया कि ये पैसा जनता की अमानत है, इस अमानत को हमको सेफ कीपिंग में दिया गया है, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच में किया जाए ताकि उसका सबसे बेस्ट फायदा उन लोगों को मिले, ये कोशिश करके इस आदर्श को सामने रख के हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। तो एज यू कैन सी हमने ये शुरुआत आपको जो काम बड़े मोटे थे जिसके ऊपर लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं, वेदर इज द रिफाइनरी, वेदर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पीपल इन जयपुर आर नाउ लीडिंग, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर आर लीविंग दिल्ली एंड कमिंग टू स्टे इन जयपुर, लुकिंग फॉर प्लेस इन जयपुर। ये अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो वहां से शुरू करते हुए हम लोगों ने किसानों के पूरे दायरे को टच करने की कोशिश की है और वहां से लेके महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल, ओल्ड पीपल, दिव्यांग, माने एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एंड द सोशल स्कीम्स, वेदर इट वॉज इन द सोशल एरिया, वेदर इट वॉज एजुकेशन, वेदर इट वॉज चिकित्सा, वो पूरे को हमने कवर किया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सब कुछ करने के बाद वी हैव रिमेन्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द FRBM और आपको ये बजट प्रस्तुत किया है। एक महीने जल्दी किया है, ये सोच करके किया है कि सेंट्रल बजट को प्रेजेंट किया फर्स्ट को और हम लोगों ने प्रेजेंट किया है 12 को, विद 12 डेज का डिफरेंस है। आइडिया ये है कि हम भी वैसे ही टाइम की बचत करें, जितना टाइम सेव कर सकते हैं उतना टाइम सेव करके और जितने जल्दी जो हमने इनमें बातें की हैं उनको जमीन पे लाने का, कितने फास्ट हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। दैट इज द नेक्स्ट चैलेंज। बट देन जैसे इसने मैंने कहा भी अपने उसमें कि
दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. और ये जर्नी को आगे ले जाते हुए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है. सो इफ देयर इज एनीथिंग एनी ऑफ यू वांट टू कम विद, प्लीज कम. थैंक यू. कागज बांटो पहले सबको कागज. देखो, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग. That is the reason why मैंने आपके लिए आसान किया. मुझे मालूम था आप लोग ही पूछोगे. मैंने आसान किया by putting it into sections, ताकि आपको पूरा का पूरा किसानों में क्या दिया, what is the amounts and everything, it's all there. Please have a look. Now how many and all that I'm not going to. What is the total? I mean, you want it in one sentence. आपने पूछा है कि कृषि के लिए क्या किया, तो मैम ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन अब सबके बारे में. पचास हजार तक के शॉर्ट टर्म के जो कोऑपरेटिव बैंकों के लोन हैं, उनको पूर्णतया माफ कर दिया गया है. अब ये पैसा जब बैंकों तक पहुंचेगा सहकारी बैंकों से, तो वो दोबारा से नए ऋण उनको देंगे, तो उनको आगे के ऋणों के लिए फर्दर फायदा होगा. पुराना बिल्कुल क्लीन स्लेट हो गया है, कोई भी उनके ऊपर बकाया राशि नहीं रह गई. लगभग वन सेकेंड आई वुड इमेजिन अप्रोक्सीमेटली ओवर 20 लाख, 24 about approximately 20-25 lakhs. That's a lot. मैम एक सवाल है, क्या गारंटी है कि जितनी भी बजट घोषणा की गई है, अब 6 महीने बाद में आकर सेंटर लगेगी. कोई गारंटी नहीं है एक्सेप्ट हमारा नॉर्मल आचरण. प्लीज डोंट कंपेयर अस विद द कांग्रेस. हमें नहीं नहीं हमारे नहीं ये नहीं, ये बात नहीं है. ये हम आपको अभी निकाल के दे देंगे पूरे के पूरे. आई बिलीव इन दिस. अब जैसे आपके सुराज संकल्प में 600 एंड कुछ थे, आई हैव फिनिश्ड अप ऑलमोस्ट 500. आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड 500 आउट ऑफ 600, इज नॉट अ जोक. सो ऐसा नहीं है, हमारी आदत नहीं है, हम इसको फॉलो अप करते हैं. इनफैक्ट वी हैव अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट इमीडिएटली आफ्टर दिस. Yeah, no, we have addressed a lot of them. The total number jinko kya kehte hain rozgar ke avsar mile, almost 13 lakh people. Count about 1,15,000. No, that's not right. 1,20,000 people who were given sarkari naukris in the last, and now how many are they're coming up? About 77,000 to 80,000 are coming up immediately, and then there are those which are going to be rikt, jisko rikt pad hote hain, uske andar aap. So from courts, from rikt pads and all that, approximately 1,00,000 and something, over 1,00,000, 1,00,000 and 1,83,000. Can we go to the budget? I mean, thank you very much. Thank you very much. And the idea, I'll take that also and see. We've done so many things. आपने देखा है? अब उस बीच में आपने, आप लोग भी कैसे मीन मेक निकालते हो? देखो तो सही. पूरा
ढूंढ ढांड के उसमें क्या नहीं गया। यू टेक डाउन, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, हालांकि उन्होंने हाईलाइट्स दिए कि क्या कुछ हमने किया है या क्या बड़ी अहम घोषणाएं हैं। सीधे तौर पर कहा कि ये पैसा जनता का है, जनता के हित के लिए ही हम कर रहे हैं और एक महीने पहले बजट पेश करने का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके, बिना टाइम वेस्ट किए हम काम कर सकें, क्योंकि हमने देखा है कि हर साल 8 मार्च को बजट पेश होता है, लेकिन इस बार एक महीने पहले यानी आज 12 तारीख को ये बजट पेश किया गया है और उद्देश्य सिर्फ यही, जिसका जिक्र भी सीएम ने किया कि वक्त ज्यादा मिल सके, टाइम को बचाया जा सके, काम ज्यादा किए जा सके। और इसे लेकर ही बजट की जो बड़ी बातें थी वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कही, जिसमें सीधे तौर पर 50,000 किसान कर्जे की माफी की बात उन्होंने कही, क्योंकि किसानों के हित के लिए किस तरह से कटिबद्ध सरकार है। हालांकि इन बातों को लेकर विपक्ष घेरता रहा, लेकिन इसे लेकर जरूर साफ किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ की बचत का भी उन्होंने जिक्र किया। और जब शुरुआत ही किया था तो सीएम ने सीधे तौर पर कहा कि बजट विजन 2020 के तहत है ये बजट और हर क्षेत्र को, हर फील्ड को छूने की कोशिश हमने की है, ताकि हर किसी की जरूरतें और जो वंचित वर्ग रह गया है उस पर भी ध्यान दिया जा सके, उसके लिए भी किया जा सके, क्योंकि कई सालों से कई ऐसे वर्ग है जिसकी डिमांड रही है लेकिन उस तक सरकार पहुंच नहीं पाई और यही कोशिश थी, इसलिए काफी लंबे वक्त से मेहनत जारी रही है और ये पूरा टीम वर्क है जो आज सामने आया, जब 2 घंटे 14 मिनट तक ये बजट भाषण पेश किया मुख्यमंत्री ने। और बजट भाषण के बाद मीडिया से मुखातिब होती हुई तस्वीरें हैं, इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कुछ हाईलाइट्स, कुछ जो बड़ी बातें हैं उसका जिक्र किया, धन्यवाद सभी को दिया इस बजट के लिए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा मीडिया यहां पर मौजूद है, मंत्री यहां पर मौजूद रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का भी कहना यह कि आप लोग जो मिलता है उसको कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम दे सकें और सरकार भी यही चाहती है। हालांकि ये आखिरी बजट है, कहने को तो लोग चुनावी बजट भी से कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को छुआ जाए, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरें। और इसी कोशिश के तहत ही जो टीम थी वो लगातार मौजूद रही, लगातार मेहनत करती रही और हमारी मेहनत का ही फल है जो आज ये बजट पेश हमने किया है, हर वर्ग को छूने की यहां पर कोशिश की है। चलिए इस पर चर्चा आगे हम जारी रखेंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। We'll be right back.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान का बजट आज पेश हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया और अभी जयपुर से खबर आ रही है, विधानसभा में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में ये अहम बैठक है। सीएम राजे के कक्ष में इस वक्त ये बैठक चल रही है। बैठक में बजट का अनुमोदन हुआ, मंत्रियों ने सीएम राजे को बधाई दी है। तो इस बजट को पेश करने के को लेकर ही सभी मंत्रियों ने बधाई दी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। विधानसभा में कैबिनेट की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में ये अहम बैठक है। सीएम राजे के कक्ष में इस वक्त ये बैठक चल रही है। और चलिए सीधे विधानसभा का रुख कर ले, संवाददाता नरेश शर्मा वहां पर मौजूद हैं। नरेश, बजट पेश हो चुका है राजस्थान का और आपके साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने बजट पेश कर दिया है और सभी वर्गों को सौगातें दी है। किस तरह का बजट रहा, हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से बात करते हैं। सभी वर्गों को मुख्यमंत्री ने सौगातें दी है, किस तरह का बजट मानते हैं और आने वाले चुनाव में इसका किस तरह फायदा मिलेगा? मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने अपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो सुराज संकल्प निकाला था, जो घोषणा पत्र निकाला था 2013 के विधानसभा के चुनाव में, उन सभी घोषणाओं को आज अपने अंतिम बजट में इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। 611 घोषणाएं मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने करी थी, उसमें से 500 घोषणाओं का तो कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी घोषणाओं को भी कार्य आप देखेंगे इस बजट के माध्यम से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सुराज संकल्प जो हमने जारी किया था, जो एक सरकार का जो आईना हमने जारी किया था राजस्थान प्रदेश की जनता के समक्ष में, उस पूरे आईने को हम पूरा करने जा रहे हैं। किसानों के लिए भी बड़ी सौगातें हैं, नौकरियां भी दी है, तो ये बड़ी जो मांगे थी लोगों की, किसानों की मांग थी, जो कमेटी बनी थी उसमें आप शामिल थे, आपने समझौता कराया था, तो ये मानते हैं कि वो जो घोषणा पूरी हो चुकी है, अभी और आगे कुछ करना बाकी है? देखिए मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने एक भी वर्ग को नहीं छोड़ा जिस वर्ग के लिए कुछ ना किया हो। पहली बार किसानों का कर्ज माफ तो हमने कहा था हम करेंगे, तो हमने करके दिखाया। कांग्रेस ने आज तक किसानों पे कर्ज चढ़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने, हमारी सरकार ने उस कर्ज को हटाने का काम किया। और पहली बार मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश में व्यापारियों के लिए एक बोर्ड बनाने का काम किया मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने, जिससे कि व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उस बोर्ड के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। हर वर्ग को मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने छूने का काम किया है। मैं समझता हूं जितना विकास का काम पिछले 4 वर्षों में हुआ और अभी जो आने वाले वर्ष में जो विकास का हमने आईना जो राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने रखा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस अपने 5 वर्षों में हमारे से आधा काम भी विकास का काम नहीं करवा पाई थी जितना काम हमारी सरकार ने विकास के काम करवाए हैं। लेकिन परिणाम जी, विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी वर्ष के मद्देनजर ये घोषणाएं हैं और इन घोषणाएं हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। देखिए अभी तक मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का तो ये एक परिणाम है कि उन्होंने जो भी कहा है उसको धरातल पे उतारने का काम किया है। ये कांग्रेस का बजट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे जी का बजट है। जो घोषणा करी है उसको जमीन पे उतारने का काम भी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी करती हैं। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जिन्होंने, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी क्या कुछ कह रहे थे वो आपने भी सुना। इस बजट को लेकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को और सीधे तौर पर कहा कि कुल जो घोषणाएं थी 611 घोषणाएं करीब की थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, करीब 500 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं और ये हमारी सरकार है जो किसानों के हित के लिए काम करती है। हमने पहले ही कहा था कर्ज माफी हम करेंगे और 50,000 तक के कर्ज को माफ यहां पर किया है, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का भी कहना था। उन्होंने पिछली सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की यहां पर कोशिश की, हालांकि किस तरह का पिटारा खुला है आज सीएम ने, क्या कुछ दिया, कहना यही था उनका भी कि हर क्षेत्र हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है और सभी को कुछ ना कुछ दिया जा सके, सभी की मांगों को उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, ऐसा ये बजट रहा है। और पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है कि किसी भी वर्ग को हमने छोड़ा नहीं है, जो वंचित वर्ग अब तक रहा भी है उसे भी ध्यान में रखा गया और उसके हित में भी घोषणाएं यहां पर की गई हैं। और चलिए अब बजट क्योंकि पेश हो चुका है, बजट से पहले क्या कुछ उम्मीदें थी उस पर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ये बजट कितना खरा उतरा है इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। श्याम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वकील हैं। मुकेश पारिक जी
बीजेपी नेता हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे सहयोगी विमल कोठारी और निर्मल तिवारी भी हमारे साथ रहेंगे, जो इस बजट की जो बारीकी है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे और आम जन जो है वो क्या चाह रहा था, उस पर कितना खरा उतरा है ये बजट, उस पर भी बातचीत करेंगे। श्याम प्रकाश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बजट पेश हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? बजट में काफी लोक लुभावनी जो है घोषणाएं की गई है, बाकी अब ये कब कितने साल में पूरी होंगी, क्या होगा, चार साल में तो पूरी हो नहीं पाई, तो अब ये इलेक्शन का जो पीरियड है, चुनावी साल जैसे बोलते हैं, तो दो आठ महीने का करीबन समय है, इसमें कैसे पूरी करेंगे ये नहीं बताया इन्होंने, ये करेंगे तो सब चीजें बता दी। और जहां तक ये जो कोर्ट से रिलेटेड मामले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, स्टाम्प ड्यूटी में, ये काफी कम जो है घटाया गया है, और लोगों को इसमें उम्मीद ये थी कि बहुत ज्यादा घटाया जाएगा, नहीं किया गया। और इन्होंने बताया जैसे अपने बजट में कि इतनी नौकरियां देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं देगी चार साल के अंदर, अब है एक साल का पीरियड भी नहीं रहा, इसमें क्या दे देंगे? श्याम प्रकाश, अब मान रहे हैं कि घोषणाएं कर दी गई है, लेकिन इतने कम समय में इसे पूरा कैसे करेंगे ये सीएम ने नहीं बताया, ये आपका कहना है? मुकेश पारिक जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार सीएम ने बजट पेश किया। मुकेश पारिक जी आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले निर्मल का रुख कर लेते हैं। निर्मल, बजट पेश हो चुका है, इससे पहले भी हमने कई बारीकियों को समझने की कोशिश की, कौन कौन सा वर्ग है, क्या चाह रहा है, उस लिहाज से देखा जाए कैसा रहा बजट? मैराथन बजट भाषण था जो सवा दो घंटे के करीब चला, उसमें प्रत्येक वर्ग को छूने की कोशिश की। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, यूथ के ऊपर स्पोर्ट्स की अगर उसकी बात करें तो उसको लेकर के एक नया इन्होंने यूथ आइकन स्कीम एक सीएम ने चालू करने की बात की। किसानों के कर्ज माफी का जो तरीका अपनाया केरल पैटर्न पे, वो यह देखने को मिला। तमाम अभी पैनल हमारे साथ है, वो ये पूरा लेखा जोखा इस पर भी बात आएंगे। किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां जगदीश जी मौजूद है, सबसे पहले जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी, चूंकि सीएम ने बहुत धैर्य